वेलकम टू दुआस किचन। आज हम बनाऊंगे चॉकलेट केक, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मिल्क, बॉइलिंग हॉट वाटर, मैदा, कोको पाउडर, आइसिंग शुगर, ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट और एग। और इसकी फुल रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। सबसे पहले मुझे एक बॉल चाहिए, उसके नाम मैं ये अंडा डालूंगी और इसको अच्छे से व्हिस्क करूंगी। मैंने इसको व्हिस्क कर लिया अच्छे से। अब इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर है ये ऐड करूंगी और इसको अच्छे से व्हिस्क करूंगी जब तक कि इसका क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए। इसको मैंने अच्छे से व्हिस्क कर लिया, देखें। अब इसके अंदर ये जो मेरा मिल्क है ये ऐड कर दूंगी, साथ ही बॉइलिंग हॉट वाटर, ऑयल, इसको फिर व्हिस्क करूंगी। इसको मैंने अच्छे से व्हिस्क कर लिया है। अब जो मेरा मैदा है इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब चीज़ें ऐड कर लूंगी और इसको मैंने ऑलरेडी व्हिस्क किया हुआ है और ये कोको पाउडर। अब हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके यहाँ मिक्सचर ऐड करेंगे, इसको बेस्ट करेंगे, इसको अच्छे से बेस्ट करेंगे कि इसका ना कोई भी लम्स ना रहे। और ये देखिए हमारे बैटर जो है रेडी है, बिल्कुल उसको फोल्ड करेंगे हम अच्छे से। ये देखिए मैंने पतीली के अंदर स्टैंड रखा है और मैं उसको कवर करके रख दिया है। 5 मिनट मैंने इसको तेज हीट पर रखा है, देन मैंने इसकी हीट स्लो कर दी है। ना मुझे केक बेक करना है तो मैंने उसके अंदर ये ऑयलिंग कर दी, ऑयल से उसको ग्रीस कर दी हूँ और इसके अंदर मैं केक का पूरा मिक्सचर डाल देती हूँ। मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर मैं एक बार मिक्स करके ये सारा बैटर जो है डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे एंड देन इसको जो हमने प्रीहीट की है पतीली को इसके अंदर रखेंगे फॉर अबाउट हाफ आवर। सो कवर करके रख देंगे, स्लो हीट ही होगी मीडियम। देखिए हमें पता क्या चलेगा कि हमारा केक रेडी है या नहीं। हम इसके अंदर एक स्क्वायर या फोक की नाइफ कुछ भी डाल के चेक करेंगे और देखिए वो क्लीन बिल्कुल बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो केक है वो रेडी है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बाहर निकालेंगे और इसको फॉरन मोड में चालक नहीं करेंगे। देखिए मेरे स्पंज केक जो रेडी है, देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। फ्रॉस्टिंग तैयार करनी है जिसके लिए मैंने लिया है आइसिंग शुगर, सॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं, दूसरा फिर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। और ये मैंने चॉकलेट मेल्ट कर लिया है। अब सबसे पहले बॉल में डालूंगी सॉल्टेड बटर, अब इस बटर को मुझे बीट करना है अच्छे से। अब साथ ही मैं आइसिंग शुगर ऐड करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी। इसको हमें इतना बीट करना है कि ये क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाए। अब इसका क्रीमी टेक्सचर चेक कर सकते हैं। अब इसकी के साथ मैं इसके अंदर ये जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की है ये डालूंगी और उसको मज़ीद बीट करूंगी। ये देखिए मेरी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसको जो मैंने जो केक है स्पंज केक उसके ऊपर इसको डेकोरेट करेंगे और इसको आइस करेंगे। ये जो आइसिंग है मैंने सिर्फ मिल्क चॉकलेट यूज़ की थी। अब हमें क्या करना है, अपने केक को डेकोरेट करना है। आप चाहे तो इसे पाइपिंग बैग में भर के उससे डेकोरेट करें,
उसी तरह हमें इसे ऊपर ऊपर नहीं लगाना, हमें पूरा केक इससे कवर करना है। तो हमारा ये डबल चॉकलेट केक रेडी है बिल्कुल, इसको जरूर ट्राई करिएगा। फ्रॉस्टिंग और मुझे ठंडा जरूर दीजिएगा वरना ये बह जाएगी सब। आपको कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है ये। सॉफ्ट है, सो जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।